मुलायम सिंह यादव के सबसे पुराने साथी रहे, करीबी रहे, पुराने साथी पूर्व विधान परिषद सभापति रमेश यादव ने भी मुलायम सिंह यादव के साथ साथ अपनी यादों को साझा किया और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। हमारे बीच है विधान परिषद के पूर्व सभापति रमेश यादव जी, जो कि नेताजी मुलायम सिंह के बहुत पुराने साथी हैं और मैं समझता हूं कि जितने भी उनके चुनाव हुए, राजनीतिक उतार चढ़ाव हुआ, हर समय कंधे से कंधे मिलाकर उन्होंने उनका साथ रहा और हर सुख दुख में वो भागी भी रहे। आज नेताजी जब बीमार हैं, आईसीयू में भर्ती हैं, तो उनकी कुछ यादों के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरह का व्यक्तित्व तो है नेताजी का और किस तरह से कब से उनका साथ रहा है। जी बताइए, आप बहुत अरसे से साथ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? नेताजी के साथ तो शुरू से ही, जब जब चुनाव उन्होंने भेजा काम गए, उनको जिता के लाए, हर चुनाव जिता के लाए। जैसे इटावा में चुनाव हुआ, वहाँ भी गए, लोगों ने क्या कहा था नेताजी हार जाएंगे, हम जीतेंगे, तो डोड़े वोट से जीते। भरतना में हुआ, भरतना में जीते। फिर महाराज सिंह का चुनाव हार रहा था तो वो नेताजी जिता के लाए। ये जितने चुनाव में रहे नेताजी साहब, कोई चुनाव हारे नहीं, जीते ही जीते सर। अच्छा, आपके ऊपर बहुत विश्वास करते थे और आपको ज़्यादातर चुनाव में चुनाव संयोजक बनाते थे, आप साथ साथ उनके सफ़र करते थे, क्या लगता है एक जन नेता बनने में कौन कौन सी खूबियां थी उनकी जिससे वो इतने बड़े नेता बने और इतने बड़े पूरे देश में उनके लिए आज दुआओं का दौर चल रहा है? नेताजी एक ऐसे हर आदमी की बात सुनते थे, हर आदमी का काम करते थे, गरीब अमीर कैसा ही उनके पास चला है तो उसको वो पूरी मदद करते थे। जब नेताजी के पास पैसा नहीं था तो हमने आंसू में चुनाव लड़ा के इतनी मेहनत की, पैसा नेताजी के पास था कि हम लोगों को नहीं पता था, तो इतनी बड़ी मेहनत की कि नेताजी को सबसे बड़े वोटों से एटी ने जिताया, इतने बड़े वोट से उनकी जीत अटारा। नेताजी किस तरीके से जमीन से जुड़े नेता और आज उनको इसी तौर पर उनके लिए कामना की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है और दुआओं की। अब छह तस्वीरें अलग अलग जिलों से जो सामने आई है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अयोध्या में देखिए किस तरीके से हवन पूजन किया जा रहा है, नेताजी की तस्वीर लगाकर सामने हवन किया जा रहा है और ये कामना की जा रही है कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाए। बलरामपुर से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं जहां हवन किया गया। देवरिया में भी नेताजी की एक बड़ी तस्वीर लगाई गई है और हवन पूजन कार्यकर्ताओं के ओर से किया जा रहा है। आगरा में भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिली जहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हवन किया, पूजन किया और ईश्वर से प्रार्थना की कि नेताजी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। बलरामपुर से भी कुछ ऐसी तस्वीर आप देख सकते हैं, किस तरीके से कार्यकर्ता बैठे हुए हैं और हवन यहां पर कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं ने चादर भी चढ़ाई है। और ये तस्वीर लखनऊ से सामने आई है, आप देख सकते हैं मजार पर किस तरीके से कार्यकर्ता चादर चढ़ाने के लिए पहुंचे हैं और अल्लाह से ये दुआ की है कि जल्द से जल्द मुलायम सिंह स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए। ठीक है, लगातार हमारी हमारे दो सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, निधिश्री हमारे साथ बनी हुई है, उनका रुख करेंगे। निधि, आप बता रहे थे कुछ ही देर बाद हेल्थ बुलेटिन जारी होगा, क्या अभी कोई अपडेट आपके पास है? देखिए, जो हमारे अंदर सूत्र है मेडिकल टीम की तरफ से जो हमें जानकारी मिल रही है वो ये बता रहे हैं कि कुछ देर में जारी हो सकता है। हालांकि इस बात की पुष्टि उन्होंने भी नहीं की है क्योंकि हेल्थ बुलेटिन के लिए इंतज़ार लंबा हो गया है। दोपहर 3 बजे ही आखिरी हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया था जिसमें क्रिटिकल केयर यूनिट में शिफ्ट किए जाने की खबर आई थी। इस बीच जो आज बड़े नेता यहाँ पहुँचे वो सभी लगातार मिलने के लिए पहुँचे हैं, तो हेल्थ बुलेटिन का इंतज़ार इसलिए किया जा रहा है ताकि जब तक पूरी तरीके से जानकारी नहीं मिल जाए कि नेताजी के स्वास्थ्य में कितना सुधार आया है, तब तक मुझे लगता है कि हेल्थ बुलेटिन के लिए थोड़ा इंतज़ार और करना चाहिए क्योंकि अगर अभी से अगर वक्त देखें तो थोड़ी देर में एक घंटे के बीच में जो है वो हेल्थ बुलेटिन जारी हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज जो मुलायम सिंह यादव से जो मिलकर आए हैं, जो नेताजी से मिलकर आए हैं प्रशंसक और समर्थक जिससे एबीपी न्यूज़ ने बातचीत की थी, उनका कहना था कि सुधार देखने को मिल रहा है। चूंकि वो उनके प्रशंसक है, समर्थक है, वो बता रहे हैं कि जल्द से जल्द नेताजी ठीक हो जाए और यही सब हम सब कोशिश कर रहे हैं और हम सब की यही दुआ है कि नेताजी जल्दी ठीक हो जाए और जल्दी ठीक होने के लिए ही मुझे लगता है हेल्थ बुलेटिन का इंतज़ार जो है वो हो रहा है। थोड़ी देर में हेल्थ बुलेटिन अगर जारी होगा तो उसमें कितना कुछ सुधार की जानकारी मिलती है ये हमें पता चल पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, निदेशरी इंतजार है, आप नजर बनाकर रखिए, आपके पास लौटेंगे फिर से। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।